हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जी पे। चैनल का रिस्पांस जो है ठीक ठाक है, लेकिन लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं। चैनल सोने का मतलब यह है कि आप वीडियो को एक मिनट दो मिनट बेटा देख रहे हो, फिर जो है छोड़ दे रहे हो। सोच रहे हो कि सर जो है जान रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो। तो कम से कम वीडियो को अंततः आप देखिए बेटा। अंततः नहीं देखेंगे, आपको लग रहा है कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं पता नहीं चलेगा, तो वीडियो को आप अंततः देखिए। एक मिनट दो मिनट देखे, वीडियो हटा दिए, फिर चले गए आप जो है फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको जो है आप के लिए प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए हैं। जो मेरी पूरी टीम है इतनी मेहनत कर रही है, अगर उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा बेटा। इसलिए वीडियो को आप अंततः देखिए। और ये आपके लोकल की बात है, सारे टीचर आपके लोकेलिटी के हैं, तो कम से कम लोकल जितने भी बच्चे हैं, कर्रा कॉलेज के हैं, बाबा हरनाथ के स्कूल के हैं, सुमित्रा शिक्षा संस्थान के हैं, मूर्खा के हैं या चंदवक के हैं, जो भी बच्चे, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। आप लोग से हम लोग की पॉपुलरिटी बढ़ेगी। तो पॉपुलर बना सकते हो बेटा, जो है जिस आदमी को नहीं जानते उसको पॉपुलर बना रहे हो, हम लोग को जान रहे हो उसको पॉपुलर नहीं बना पा रहे हो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। तो टीचर होने के नाते इतना तो मेरा अधिकार है ही आप लोग से कम चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को अंततः देखिए। और क्या पढ़ना आप कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी वीडियो देखिए आप कमेंट कीजिए, तो हम लोग को लगेगा कि इतने मेरे बच्चे भाई जो देख रहे हैं बच्चे, हमको नहीं पता कौन देख रहा है, लेकिन जो कमेंट करेगा ये तो पता चलेगा ना कि कौन बच्चा कमेंट किया है। कमेंट किया इसका मतलब मुझसे एकदम जो है दिली जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप कमेंट बेटा जरूर कीजिए। हाँ, आइए टॉपिक पे आ जाते हैं। हम आप लोग को पढ़ा रहे थे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने आप लोग को जो है इसके पहले वाले लेक्चर में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव पे डिस्कस किया, क्या होते हैं, उसका फार्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर सोल्यूशन क्या होता है, मोलर सोल्यूशन क्या होता है, नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है, ये सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आज हम इस पे जो है दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम फर्स्ट है, इसको नोट करिए आप लोग। प्रॉब्लम फर्स्ट, 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? फटाफट नोट कीजिए इसको। और ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एकदम नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता क्या बताए थे? मोलरता का मतलब होता है एक लीटर में विलेय के कितने मोल। विलेय का मतलब जो हम मिलाएंगे, तो मिलाएंगे किसको? पदार्थ को। किसको मिला रहे हैं? NaBr। तो यहां विलेय कौन हो गया? सोल्यूशन में विलेय आपका है NaBr। तो पहले उसका क्या निकालिए? भार। भार है 20.6 ग्राम अणु भार। अणु भार कैसे निकालेंगे? कोई भी विलेय पदार्थ उसमें कौन कौन से सबस्टेंस मिले हुए हैं, कौन कौन से आपके जो है तत्व मिले हुए हैं, उनके भारों को जोड़ दीजिए। तो NaBr, Na और Br से, तो Na का भार हो गया 23 और Br का हो गया आपका 80, टोटल मिलके हो गया आपको 103, ठीक है। अब इसके हम मोल निकाल लेते हैं, विलेय का मोल। विलेय का मोल, मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणु भार, एकदम नॉर्मल है बेटा। भार हो गया 20.6, अणु भार हो गया 103, ठीक है। अब हम विलयन का कितना है आयतन,
बिलियन का आयतन दिया है 500, बिलियन का आयतन ये आपको 500 ml है। आयतन किस में निकालते हैं? लीटर में। तो 500 ml को लीटर में बदलोगे तो 500 में 1000 से भाग दोगे, 500 बटे 1000, अब ये कट के आ जाएगा 1/2। तो सारा काम आसान हो गया। मुलर का क्या परिभाषा बताए थे? बिले का मोल बटे बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। मोलरता हो गई, मोलरता इक्वल बिले का मोल, बिले का मोल बटे बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। बिले का मोल बोलिए 20.6/103, बिलियन का आयतन 1/2, यानी 20.6 × 2 हो जाएगा 2/103, यानी ये टोटल हो गया 6 × 2 = 12, अब 20 × 2 = 40, 40 × 1 = 41/103, पूरा इसको काउंट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.4। मात्रा क्या है? मोल है बटे लीटर, तो मोल पर लीटर। फटाफट नोट कीजिए, मोल पर लीटर, या इसको हम शॉर्टकट में 0.4 आगे कैपिटल यम कर देंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा मोलरता को। तो एकदम इजी सवाल है, दिया है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त बिलयन की मोलरता क्या होगी? तो हम पहले क्वेश्चन में क्या पहचानेंगे? बिले, जो हम मिलाएंगे, मिलाए किसको है? NaBr। तो फटाफट उसका भार पता कर लो, 20.6 ग्राम, अणु भार कितना आ गया? NaBr दो भागों से बना है, NaBr, Na का भार 23, Br का 80, टोटल हो जाएगा 103। बिले का मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणु भार, ठीक है। अब बिलयन का आयतन दिया है 500 ml, आयतन किस में निकालते हैं? लीटर में। अब 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 1/2, यहां लीटर लिख सकते हो। मोलरता की परिभाषा, बिले का मोल बटे बिलयन का आयतन किसमें? लीटर में। पूरा काउंट कर लिए तो ये फटाफट आंसर आ गया 0.4 मोल पर लीटर या m। नोट कर लें। हाँ, प्रॉब्लम सेकंड चलिए। प्रॉब्लम सेकंड है, एक लवण का अणु भार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जो बेटे पढ़ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन लिखने तक आप लोग को आंसर मिल जाना चाहिए। इसका मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैंने क्वेश्चन जब तक नोट किया, आप लोग आंसर भी निकाल सकते हैं। एकदम नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, एक लवण का अणु भार 30 है, कोई साल्ट है, उसको जल में घोला गया, ठीक है। कितने जल में घोला गया? 250 ग्राम जल में घोला गया। तो बिलयन की मोललता, मोललता का सीधा सीधा मतलब विलायक से। तो इसमें पहले काम करिए, बिले पहचान लीजिए। बिले कौन है? बिले आपका कोई लवण है, नहीं पता कौन सा लवण है, कोई लवण है बिले। उसका जो भार कितना दिया है? भार है 3 ग्राम। अणु भार कितना दिया है? सिंपल सी बात है, 30। मोल कैसे निकालोगे? भार बटे अणु भार। मोल किसका निकाल रहे हो? जो मिलाए हो, किसको मिलाए हो? लवण को। तो लवण का जो हो गया मोल, हो गया भार बटे अणु भार। भार कितना है इसका? 3। अणु भार कितना है? 30। कट के आ जाएगा 1/10, यानी 0.1, ठीक है। ये 0.1 मोल हो गया। अब विलायक क्या है? विलायक का भार, अब विलायक का भार दिया 250 ग्राम, हमको निकालना क्या है? मोललता। मोललता का सीधा सीधा संबंध किससे है? विलायक से। मोललता का सूत्र होता है मोललता इक्वल बिले का मोल और बटे विलायक का भार,
ग्राम में और गुणे हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। बिले का मूल कितना है 0.1, बिलाए का भार 250 गुणे 1000। अब 250 1000 कटेगा, आ गया 4, यानी 0.1 गुणे 4 यानी 0.4, इसका आंसर आ गया 0.4। कर लीजिए इसको। मात्रक देना चाहे दे सकते, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, एकदम नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सा जो है आप लोग रीड कीजिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि कमेंट करने वाला बच्चा कहाँ का है और किस क्लास से जुड़ा हुआ है। एक प्रॉब्लम और करते हैं, एक प्रॉब्लम एकदम आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरिया के 6% भार से, भारानुसार 6% है, भारानुसार 6% का मतलब 100 में 6, तो 100 में 6 यूरिया है, तो बाकी क्या होगा, अगर जलीय विलयन है तो जल होगा, जलीय विलयन दिया भी है, जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में, बस प्रारूप बदल देता है, यूरिया के 7%, यूरिया के 20%, यूरिया के 12%, एक सवाल मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आता है, 2 नंबर में क्या है, यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मूल प्रभाज निकालना है। अब हमको यूरिया का मूल प्रभाज निकालना, तो मूल प्रभाज 2 का निकालते हैं, विलेय और विलायक, तो इसमें पहले विलेय पहचानो, सॉल्यूशन में विलेय कौन है जिसको मिलाए हो, यूरिया, ठीक है, विलायक कौन है, जलीय विलयन है, तो विलायक आपका जल है। अब यूरिया का भार निकाल लो, यूरिया का भार दिया है 6%, मतलब 6, यूरिया का अणुभार कंठस्थ होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, यूरिया का अणुभार 60, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, थोड़ा सा इस पे जानकारी ले लीजिए, NH2CO NH2 लैब में खोजा गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया ही है, ठीक है। और अगर आगे जाओगे तो इसका IUPAC ने मगर इंटर में पढ़े होंगे तो क्या बताया गया होगा, एमिनो मेथेनामाइड, ये साइड चेन में हो गया एमिनो मेथेनामाइड, ठीक है, तो यूरिया का अणुभार हो गया आपका 60, ठीक। अब जल का चलते हैं, जल का भार कितना है 100%, मतलब 100 में से आपको 6 यूरिया है तो 94 हो गया, ठीक है। अब जल का अणुभार, जल का अणुभार ये आप सभी लोग को याद होना चाहिए 18, तो अब यूरिया का मोल निकाल लो, यूरिया का मोल, यूरिया का मोल कितना हो गया भार बटे अणुभार से, भार है 6, अणुभार है 60, यानी 1/10 हो गया 10। अब जल का मोल प्रभाव, मोल, जल का मोल भार बटे अणुभार से, जल का भार कितना है, जल का भार है 94, अणु भार है 18, 18 × 95 लगभग 5 बार जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज, जल का नहीं निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, यूरिया का मोल बटे कुल मोल, कुल मोल में दोनों आ गए, यूरिया का मोल कितना है 1/10, कुल मोल में यूरिया का मोल धन जल का मोल 94/18। अब फटाफट इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, देखिए कितना उत्तर आ रहा है, हुआ होगा आएगा 0.0188, ये आपका हो गया यूरिया का मोल प्रभाज, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो अगर क्लियर हो रहा है तो मैं 2 प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूं,
देखते हैं कितने बच्चे इसको कर लेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे कमेंट में लिखे कि सर मेरा प्रॉब्लम हो गया, मेरा प्रॉब्लम हो गया सर, ये कमेंट में जरूर लिखिए मेरा प्रॉब्लम हो गया, और आप कमेंट में उसका उत्तर भी लिखिए, तो हमको ये लगेगा कि कितने बच्चे जो हो गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। प्रॉब्लम फटाफट नोट कीजिए, प्रॉब्लम फर्स्ट, एच डब्ल्यू शुद्ध जल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। हालांकि ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो हम ऑप्शन नहीं दे रहे, नहीं तो तुक्का मारने वालों की संख्या भी बहुत है, तुक्का मार दोगे कि सर ये वाला ऑप्शन सही होगा, खाली टिक मार के चले आ जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, इसीलिए हम जो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्रॉब्लम टू, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के मिश्रण में जल का मोल प्रभाज, जल का निकालना है, जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जहां भी मोल प्रभाज की बात होगी तुरंत चेक करोगे विलय कौन और विलायक कौन है। ये दोनों प्रॉब्लम का उत्तर जैसे आप लोग वीडियो देखेंगे उसके बाद जो है कमेंट में जरूर कीजिए, ठीक है। और इसको जो है टेलीग्राम, इसको टेलीग्राम पे भी आप लोग जो हो गया थोड़ा सा शेयर कराइए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक फेसबुक पे आप इसको अपलोड कीजिए, नोट कर लीजिए इसको।